अच्छा, आपकी शक्ल में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है? वो उसमें तो आए आप, क्या है वो? वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरी फ्रेंडशिप है आतिफ असलम के साथ। हाँ जी, मेरी फ्रेंडशिप है आतिफ असलम के साथ। आतिफ असलम के साथ आपकी फ्रेंडशिप है या आपका ख्वाब है आतिफ असलम के साथ फ्रेंडशिप? मेरी फ्रेंडशिप है आतिफ असलम के साथ। इसमें कौन सी ऐसी खास बात है? वो तो हो सकती है किसी की भी। इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है? वो मुझसे लव करता है। और ये क्या करता है वो आपसे? लव करता है। हम लोग शादी करेंगे और इसका प्रूफ भी है मेरे पास। एक मिनट, मैं या तो मैं नहीं समझ पा रहा या आप कोई गलत बात कर रही हैं। गलत क्या? आतिफ असलम कौन? आतिफ असलम जो सिंगर है हमारा, एक ही तो सिंगर। अच्छा, वो आपका दोस्त है और आपसे प्यार करता है? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। आप अटेंशन सीकर है? आप अटेंशन के लिए आई हुई हैं? अब बिल्कुल नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। कहते हो तो मैं बात करवा देती हूँ। आतिफ असलम से आप क्या बात करेंगी? मैं यही बात करूंगी, कहूंगी आतिफ मैं इसका सर्वो कार के रिशन बैठी हुई यार, इनको प्रूफ दो दैट्स यू लव मी। आपको लगता है वो आपसे प्यार करता है? मुझे लगता है क्या वो करता है यार? या तो मैं गलत सुन रहा हूँ ये, या वाकई ये बातें बोल रही हूँ। हेलो, मेरे पास ओ हेलो हेलो क्या कर रही हो? मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ। मैं बता रही हूँ ना, मेरे मुझे कॉल चलती है उसकी, मैं उससे बात करती हूँ, मैं भी बात करवा सकती हूँ। वो उठा के बोल देगा हाँ मेरी दोस्त है और लड़कियों से बात ये नहीं कहेगा, वो कहेगा कि हाँ मैं इसे प्यार करता हूँ, मैं शादी करूंगा। क्या बोलेगा आतिफ असलम? आतिफ असलम कहेगा वो मुझसे प्यार करता है, शादी करती हूँ, इतने कंफ्यूज होने की क्या बात है? आप ये कहना चाह रही हैं कि आतिफ असलम अभी फोन पे आपको बोलेगा? हाँ। आपने उसे बताया था आप इस शो पे आ रही हैं? नहीं, क्योंकि शायद मैं अगर उसको बताती तो वो ये चीज़ लाइक ना करता। वो पसंद नहीं करता मुझे? नहीं, ये तो मैंने अभी कभी आपकी बात ही नहीं किया उससे, और इस ऑडिशन के लिए मैंने उसको बिल्कुल नहीं बताया। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है अगर वो, जैसे तुम बोल रही हो जी, बॉयफ्रेंड है ना या फ्रेंड है? लवर है। आप खुश हो आवाज में? ऑफ कोर्स। आपसे शादी करेगा? करेगा, और मैं अपनी शादी में बुलाऊंगी आपको। मुझे समझ नहीं आ रही कि वाकई आप ये बोल रही हैं या मैं गलत सुन रहा हूँ। मैं आपकी बात करूँ आतिफ असलम से जी? एक बात मैं बता दूँ, इतने बड़े सेलिब्रिटी के बारे में अगर आपकी बात गलत निकली ना वफा, तो आपको इतना जलील किया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। वेट, जलील किया जाएगा? हद है। क्यों मेरी बात सुनिए, उसको क्या किसी नॉर्मल लड़की से प्यार नहीं हो सकता? पर मुझे ये पता है। नहीं नहीं, हो सकता है तो मिलाएं फोन अब उसे बिस्पेल दूंगी, कॉल बैक करेगा। मिस बेल देंगी वो आपको कॉल बैक करेगा? खुदा की कसम ये झूठ निकला ना अगर, तो वफा बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है यार। ये लगाओ, जल्दी से लगा दे भाई, भाभी आई। उसका फोन आ रहा है। आती लेना एक मिनट, यूं रखो यूं रखो यूं रखो यूं रखो, देखो तुम लेना। हेलो हेलो, आती कैसे हो? ओके आती, मैं इधर वकार, सॉरी मैंने तुम्हें बताया नहीं है, ठीक है? मैं वकार के ऑडिशन में आई हुई हूँ और इसको ये यकीन नहीं है कि तुम मुझे प्यार करते हो और तुम मुझसे शादी करोगे, तो प्लीज़ इनको प्रूफ दे दो दैट्स यू लव मी। और ये भी कहो कि तुम मुझसे शादी करोगे। बात कराओ मेरी, आतिफ असलम की आवाज़ लग रही तुझे? हेलो, बंद क्यों कर दिया आतिफ असलम ने? एक्चुअली उसकी एक रिकॉर्डिंग थी ना, आज उसकी एक रिकॉर्डिंग भी है। क्या नंबर है आपके पास, जरा बताएंगे मुझे? सबके सामने? सबके सामने ही बताएंगी और कहाँ बताएंगी, नंबर बता रही हैं क्या करेंगे? इतने बड़े सेलिब्रिटी के बारे में इतना बड़ा झूठ मैं बर्दाश्त करूंगा नहीं। हेलो हेलो, हेलो आतिफ भाई ने बताया भी नहीं, भाभी हमारी ऑडिशन में आ रही है। आतिफ भाई अगर बताते तो हम तो खुद उनके लिए कोई अच्छा सा डेरा निकाल के रखते हैं। एक्चुअली ने खुद नहीं पता। हेलो, हाँ आती, वो कार्जिका से बात करो प्लीज। आती, उसका नाम आती है? ये मैंने इसका नाम रखा हुआ है और मुझे जाना बुलाता है। ये नहीं, जाना बुलाता है? अच्छा बात करें ना। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो हेलो, नंबर क्या है, आप नंबर बताएं मुझे। ड्रामा हो रहा है और कुछ? ड्रामा क्यों हो रहा है? उसकी आवाज नहीं थी ना, मैं आ चुका था। नंबर क्या? सीक्रेट नंबर होता है ना, नहीं उनको हिस्सा करते, मैं लिख के देती हूँ। ट्रिपल फाइव। आतिफ, आतिफ असल में उठाएं जरा स्पीकर फोन, बैठे वहाँ बैठे। हाँ आती, तुम मुझे पता है तुम बिजी हो, लेकिन बात तो करो वकार से, सिग्नल काट रहे हैं। स्पीकर खोलना, स्पीकर, लेकिन कुछ तो बात करो ना उससे। हेलो, क्या रहे, सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। अच्छा और कुछ ले लो जो इसको। एक मिनट, ये जो आपने नंबर दिया ना यहाँ पर, आप मेरी बात सुनो, आप झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही। आप झूठ बोल रही हैं। आतिफ असलम के बारे में इतनी घटिया बात करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मैं उसके बारे में, एक मिनट, ये जो नंबर है ये आतिफ असलम का, ये उसने मेरे लिए सिम रखी हुई है क्योंकि मैंने उसको। आतिफ असलम ने तुम्हारे लिए सिम रखी हुई है यार, इतना तो झूठ नहीं बोलो। जब मैंने उससे, मुझे जब प्रपोज किया था, मैंने उसे कहा था यार तुम, मैंने उसे गलत वे में लिया था, लेकिन उसने कहा था नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा देखो बात, एक तो आप झूठ बोल रही हैं और इतने बड़े सेलिब्रिटी के बारे में झूठ नहीं बोलते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो सेलिब्रिटी है, एक मिनट, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इतनी घटिया बात नहीं बोलनी चाहिए। दिल दुखते हैं ऐसे लोगों के, आप उससे प्यार करती हैं, आप चाहती हैं कि आपका बॉयफ्रेंड ऐसा हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये बोलना कि वो आपका बॉयफ्रेंड है, आपने किसी और से बात कराई यार, इतने बेवकूफ थोड़ी है। ये नंबर है उसका नहीं है, तो सिम रखेगा आपके लिए। आपको यकीन करना है, करे नहीं करना ना करे, उठाए नहीं करनी मुझे सिलेक्शन। मैंने झूठ नहीं बोला, अगर रिकॉर्डिंग में ना होता तो मैं प्रूफ तो करती। कहाँ है वो इस वक्त, रहता कहाँ है? आती डिफेंस में रहता है। कहाँ रहता है डिफेंस में? डबल एक्स। डबल एक्स जी, वहाँ रहता है। ओ फाद इधर आओ, ये कॉन्सर्ट्स करवाता है उसके भाई, आपने देखा है कभी इन्हें? ये कह रहे हैं मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, शादी होने वाली है मेरी। तो जारी बात है वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको अभी कॉन्सर्ट में थोड़ी ना लेके जाएगा। तो मैं पागल हूँ। अब मैंने कह दिया है कि आपने मेरी सिलेक्शन करनी है, करो, नहीं करनी ना करो, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा मुझे नहीं करनी, आप झूठ बोल रही हैं। मैं जाती हूँ। जाए। अच्छा आप हमें एक बात सच में बता दें, क्या आतिफ वाकई में आपका बॉयफ्रेंड है? पहले मुझे ये बताओ इसमें हैरानगी की क्या बात है? नहीं, अगर आप मेरी जगह पर लड़की होते तो क्या वो, अगर आपसे नॉर्मल तरीके से प्यार करता तो क्या आप लोग उसका इशू बनाते? इसमें इशू बनाने की बात थोड़ी ना। नहीं, हम इशू कब बना रहे हैं? या इतना तो वो भी ठीक है, वो करता है मुझसे लव यार, इसमें इशू बनाने की क्या जरूरत है? तुम लोग तो इतना शॉक्ड हो गए जैसे मैंने कोई करंट लगा दिया। अच्छा सिर्फ इतना बता दें कि क्या वो वाकई में आपका बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा ना, टाइम नोट करो, डेट नोट करो, सेकेंड नोट करो, मैं आतिफ के साथ आऊँगी और नेक्स्ट मैं उनको आतिफ के नंबर से कॉल करके ज़रूर बताऊंगी। दैट्स माय प्रॉमिस टू मिस्टर वकार ज़कार। ट्राई फॉर इट एंड इट्स सो अमेजिंग। ये ट्यूबलाइट्स एक तरफ रख ले। क्यों आना चाहती हैं इस शो में? मुझे लगता है कि मैं डेयरिंग हूँ। किसको वोट देंगी इलेक्शन में? पीपी को। वजह? बेनजीर मुझे पसंद है। शादी से नफरत क्यों है आपको? शादी से नफरत नहीं है लेकिन, एक मिनट, यहाँ तो ये लिखा है आई हेट मैरिज। नफरत ऐसे है कि मुझे नहीं लगता कि कोई रिलेशन इतनी दूर तक चल सकता है मेरे ख्याल में, तो इस वजह से मैं शादी नहीं करूँगी। आजकल आपके ख्याल में जितनी लड़कियां हैं मेजॉरिटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको ये हो गया है कि शादियां सस्टेन नहीं करेंगी, इसलिए वो शादी से भागती हैं। मैं ये समझती हूँ कि इंसान वफादार नहीं। आपकी कोई रिलेशन चली आज तक? चली है, लेकिन मैं किसी की बात नहीं मान सकती, तो जाहिर सी बात है मेरी शादी नहीं चल सकती। क्यों आप बात नहीं मानना चाहती? भाई मैं इतनी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रह सकती। जैसे? जैसे कि हर चीज पूछ के जाना, मियाँ से कुछ भी हो पूछना तो पड़ेगा। आप बहुत सीरियस हैं लाइफ में? हाँ। अच्छा सीरियसनेस हटा लो, अब जो बात करोगी हंस के करोगी। हाँ, ऐसे हंसते हंसते करना सही है। सीरियस लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ओके। क्योंकि मैं खुद सीरियस हूँ ना। ठीक है। जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा दुख किस चीज से मिला है?
माय मदर. क्या? सेकंड मैरिज कर ली, दैट्स व्हाई दुख मिला, लेकिन आई लव हर. अच्छा, आपकी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली? जी. उसकी क्या वजह थी? वजह ये थी, फादर की डेथ हो गई थी शादी के 2 महीने बाद, इस वजह से उन्होंने शादी कर ली. तो ये भी उनका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती थी अपनी. आप इसको पॉजिटिव लेती हैं कि ठीक है? तो नफरत कहाँ हुई इसमें, दुख कहाँ हुआ? दुख नहीं है, मुझे पर्सनली नहीं पसंद बस शादी. दुख ये हुआ कि उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद वो कभी मिलने नहीं आती, ये दुख है. कहीं और रहती हैं? जी. तो आप कैसे रहती हैं? मैं अपनी दादी के पास रहती हूँ. तो मिलने क्यों नहीं आती है? अब वो उनकी प्रॉब्लम होगी, वो मुझे नहीं पता, मैं कभी मिली नहीं हूँ. तो आपको कैसे पता चला दूसरी शादी हो गई थी? घर वालों ने बताया, लोगों ने बताया. कुछ कहना चाहेंगी आपकी अम्मी अगर अभी देख रही हूँ? देख रही होंगी. तो भाई घर वही है, लोग वही है, सब उधर ही रहते हैं. ठीक है, सही है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती. कुछ उनकी गलती होगी, कुछ आपकी गलती होगी, लेकिन मुझे लगता है मेरी मदर अभी भी दुनिया की अजीम तरीन औरत है, क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया मुसलमान. इनफ. अगर वो हैं या देख रही हैं तो प्लीज एक बार आ जाएं, वजह बता दें क्यों नहीं आई, क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. ये 7 ट्यूबलाइट्स क्यों लाई हैं? मुझे मोटी ट्यूबलाइट्स नहीं मिली, पतली मिली है. बॉडी के किसी भी पार्ट से मैं तोड़ सकती हूँ, ये डेयर नहीं है, लेकिन मैं कर सकती हूँ. उसके बाद जो आप बोले वो मैं कर सकती हूँ. सामने आ जाए वहाँ पे. कहाँ मार के तोड़ेंगी? कहीं पे भी. सर पे मारे? सारी.